नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे किरण सामान्य ज्ञान के बारे में। तो याद रखिए, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, उसे पढ़ लें आप लोग। और मैं हर बार यही बता रहा हूँ कि आप अगर किरण सामान्य ज्ञान को ख़रीद लें, अगर आपके पास कहीं आसपास मिलती है, क्योंकि इससे मुझे नहीं लगता है कि आपका SSC, बैंक, रेलवे, इस तरह के जो भी वन डे एग्ज़ाम होते हैं, उनसे क्वेश्चंस इसी से आएगा लगभग लगभग। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो आप क्वेश्चंस सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। काफ़ी हद तक UPPCS हो गया, MPPSC हो गया, इस तरह के जो भी स्टेट PCS एग्ज़ाम होते हैं, प्रीलिम्स, उन्हें भी कवर कर सकते हैं आप लोग इससे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं आपको बता देते हैं एक बार। याद रखिए, जो भी क्लासें होंगी इससे संबंधित, वो सभी किरण सामान्य ज्ञान के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डली हुई है। तो इसमें हम लोग भारत का इतिहास सबसे पहले बात किए थे, फिर विश्व का इतिहास देखे थे, फिर भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में जाने थे, फिर हम लोगों ने बात की थी भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के बारे में, फिर उसके बाद भूगोल देखा था, विश्व का भूगोल हो गया, भारत का भूगोल हो गया, फिर हम लोगों ने बात की थी सामान्य अर्थशास्त्र एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। अब हमें बात करनी है सामान्य विज्ञान के बारे में। तो बता दें आपको सामान्य विज्ञान के बारे में कि इसमें हम लोग कई पार्ट में लाएंगे हम लोग इसे, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है, 14-14 घंटे की लेक्चर हो रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, इसके हम लोग पार्ट लाएंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे थोड़ा सामान्य विज्ञान के बारे में, कुछ नॉलेज देंगे, उसके बाद भौतिक विज्ञान का एक पूरा लेक्चर आएगा सेपरेट, फिर उसके बाद रसायन विज्ञान का एक पूरा सेपरेट लेक्चर रहेगा, फिर उसके बाद जीव विज्ञान का सेपरेट एक लेक्चर रहेगा, फिर आपका जंतु विज्ञान, इसी तरह से आपका प्राथमिक स्वास्थ्य एवं शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित एक पूरा सेपरेट लेक्चर रहेगा, फिर वनस्पति विज्ञान से संबंधित आपका पूरा सेपरेट लेक्चर, फिर कृषि एवं पशुपालन से संबंधित एक पूरा सेपरेट लेक्चर दूंगा, और लास्ट में एक हम लोग देंगे इसी से संबंधित पारिस्थितिकी पर्यावरण एवं प्रदूषण से संबंधित एक सेपरेट लेक्चर। ठीक है, इसी तरह से छोटे छोटे लेक्चरों में आ जाएगी, फिर उसके बाद एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर पूरा लेक्चर दे देंगे, यहाँ तक आपका विज्ञान खत्म हो जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर, पारंपरिक सामान्य ज्ञान बचा है, खेल कूद बचे हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की बता दूं कि आज क्या क्या देखेंगे हम लोग। तो विज्ञान की कुछ प्रमुख जो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं उनके बारे में जानेंगे, इनसे भी आपके क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछते रहते हैं। वैज्ञानिक यंत्र क्या हैं उन्हें भी देखेंगे, आविष्कार और आविष्कारकों के नाम जानेंगे, जो आविष्कार हुए हैं उनसे आविष्कारक हैं उनके बारे में जानेंगे, प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान देखेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे भौतिक विज्ञान। तो इतने चार चैप्टर हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। याद रखिए, बार बार दोहरा रहा हूँ कि MPPSC हो, चाहे MP पुलिस, SI, जो भी MP के एग्जाम हो, UP के एग्जाम हो, या फिर ऑल इंडिया किसी भी स्टेट के एग्जाम हो, अगर सामान्य ज्ञान उसमें पूछा जाता है उस परीक्षा में, तो इस बुक्स से आप लोग कवर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बुक्स लिखी गई है और मुझे नहीं लगता है कि इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन जाएगा। इसे भी कंप्लीट करवा देंगे, उसके बाद मैं हज़ार हज़ार क्वेश्चन भी कंप्लीट करवाने की बात कर रहा हूँ, उन्हें भी कंप्लीट करवा दूंगा, तो आपके मॉक टेस्ट लग जाएंगे। और सामान्य ज्ञान इतना काफ़ी है यार, सामान्य ज्ञान के लिए, इसके लिए आपको मुझे नहीं लगता है कि पैसे दे के कहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। और जो भी आपकी डाउट हो, जो भी आपकी समस्याएं हो, मुझे SMS भी कर सकते हैं आप लोग, फेसबुक में पेज पर SMS करिए, वहाँ मैं जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, और अच्छे से पढ़िए और हो जाएगा आराम से, इतने बहुत काफ़ी है यार। आपका कंप्यूटर पूरा ख़त्म करवा ही दिए, मध्य प्रदेश पूरा ख़त्म करवा दिए, उत्तर प्रदेश और बाकी जो भी स्टेट हैं उनके बारे में एक सामान्य जानकारी दे ही चुका हूँ, तो मुझे लगता है इतना आपके लिए काफ़ी है। फिर चाहे आप PCS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी और स्टेट एग्ज़ाम की, याद रखिए एक बार अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो एक बार प्लेलिस्ट सूची में ज़रूर जाया करिएगा, वहाँ क्या क्या पड़ा हुआ है सब कुछ देख लिया करिएगा, क्योंकि आपका ना घटना चक्र आपने देखा होगा, पूरी करवाई गई थी आपकी, UPPCS के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। तो चलिए, आज हम लोग विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं देखते हैं। ये आपका सामान्य विज्ञान। विज्ञान का अर्थ होता है सीधा सा विशेष ज्ञान,
इसमें प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। यह मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित है, भौतिक विज्ञान जो निर्जीव पदार्थों से संबंध रखता है और जीव विज्ञान जो सजीव पदार्थों से संबंध रखता है। सीधा सा क्या मतलब कहने का है, भौतिक विज्ञान जो निर्जीव पदार्थ होते हैं उनसे संबंध रखने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान, और जो जीव विज्ञान से विज्ञान यानी सजीव यानी कि जीवों से पदार्थों से संबंध रखते हैं उन्हें हम लोग जीव विज्ञान कह देते हैं। आज विज्ञान का क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि इसे कई शाखाओं में बांटकर अध्ययन किया जाता है, जिसमें आप भौतिक, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कृषि विज्ञान, पारिस्थितिकी विद्या विज्ञान और विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि भागों में बांटा जाता है। विज्ञान जैसे खगोलीय विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, फिर जो आपकी प्राकृतिक विज्ञान है इसे भी दो भागों में बांटा गया है, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है, भौतिकी और रसायन विज्ञान। जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। याद रखिए अगर आप क्षेत्र से हैं तो आपको बेहतर समझ में आने वाला है, और अगर नहीं है फिर भी समझ में आएगा। इसमें कोई सा ऐसा नहीं है कि जिसमें मंत्र पढ़ना हो आपको, बस आप अच्छे से सुनिए, इतना काफ़ी है और पढ़ के निकल जाइए। ठीक है, अब बात करते हैं विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में, कौन कौन सी इसकी शाखाएं हैं। ठीक है यार, मुझे नहीं लगता है कि आपको इतना मटेरियल उपलब्ध करवा दिया है मैंने, अब पूरी NCERT कवर करवा दी है, आई सिविल सर्विस, PCS, MPPSC, UPPCS सभी के 100 पेपर करवा दिए, अब आपको खरीदने की जरूरत नहीं है शायद। और जो भी डाउट है आप मुझे कुछ SMS कर सकते हैं ना, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। पैसा खर्च करने की मुझे नहीं लगती है जरूरत, अब मुझे तो लगता है सिविल सर्विस के लिए मैंने इतना मटेरियल उपलब्ध करवा दिया है कि आप पढ़ें तो खुद से निकाल सकते हैं। वो पूरा बता भी दिया गया है, प्रोसेस भी बता दी गई है, उसकी पैटर्न भी बता दिया गया कि कितने पेपर होता है, कैसे कैसे होते हैं, कब कौन सा, कौन महीने में कौन सा पेपर होता है, कब कौन सा क्या होता है, सब नॉर्मल बिल्कुल सीधी सी अपनी सरल भाषा में बताया गया है। फिर भी अगर आप ना पढ़ें तो अब आपकी गलती है उसमें। अकाउ स्टिक्स, तो इसे क्या है, यह ध्वनि से संबंधित विज्ञान होती है। एनाटॉमी, यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है। क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है आपका, एंथ्रोपोलॉजी किससे संबंधित है, तो यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी, यह विज्ञान मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के प्रभाव का अध्ययन करता है, जिसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। तो याद रखिए ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र शास्त्र से संबंधित है आपका एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी, यह खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। एरोनॉटिक्स, इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन होता है। एग्रोस्ट्रोलॉजी, यह घासों से संबंधित विज्ञान की शाखा है। अर्बोरी कल्चर, यह वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की शाखा है। आर्कियोलॉजी, ये पुरातत्व संबंधी विभाग की शाखा है। एस्ट्रोफिजिक्स, यह नक्षत्रों के भौतिक रूप से संबंधित खगोलीय अर्थात खगोल भौतिक विज्ञान की शाखा है। बायोकेमिस्ट्री, जीव शरीर के रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान है। बायोमेट्री, गणितीय विधियों के द्वारा जंतुओं के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। बायोफिजिक्स, इस शाखा में जीवों के शरीर में होने वाले सभी भौतिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी, या जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों का व्यापक अध्ययन किया जाता है। सेरेमिक्स, या टेक्नोलॉजी की वह शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से संबंधित है। कीमोथेरेपी, या चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है। कॉस्मोलॉजी, यह समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की एक शाखा है। क्रायोजेनिक्स, यह निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन करने वाली विज्ञान है। कैलिस्थेनिक्स, इस शाखा के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियों संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। कांकोलॉजी,
इस शाखा के अंतर्गत संख्य विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। कास्मोलोग, कास्मोगोनी। इस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांडोत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। कास्मोग्राफी, इस शाखा के अंतर्गत विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। कैप्टोग्राफी, इस शाखा के अंतर्गत गूढ़ लेखन या फिर बीज लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। इकोलॉजी, यह विज्ञान वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण या फिर प्रकृति से संबंधों का अध्ययन करता है। एंटोमोलॉजी, जंतु विज्ञान की वह शाखा जो कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन करती है। एपिडीमियोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो महामारी और उनके उपचार से संबंधित है। एक्सबायोलॉजी, इस विज्ञान के द्वारा पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों एवं उपग्रहों पर जीवन की संभावना का अध्ययन किया जाता है। एस्थेटिक्स, इस शाखा के अंतर्गत सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन होता है। एपिग्राफी, इस शाखा के अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। एथनोग्राफी, इस शाखा के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन होता है। इथोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन होता है। जियोलॉजी, भूगर्भ संबंधी उनकी बनावट संरचना आदि के अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। जीरोन्टोलॉजी, वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन इस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। आगे आपका जीनोपोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत जीवों की जातियों के विभेद का अध्ययन किया जाता है। जियोडेसी, इस शाखा के अंतर्गत भूमि भूगणित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जियो मेडिसिन, यह औषधि शास्त्र की वह शाखा है जो जलवायु और वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करती है। हॉर्टिकल्चर, फल फूल एवं साग सब्जी उगाने बाल उगाने सॉरी बाग उगाने बाग लगाने बाल कहाँ से आ रहा है। पुष्प उत्पादन का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। फिर आपका हाइड्रोपैथी, पानी पीते जाओ, पानी बड़ा शरीर के लिए लाभदायक होता है। सुबह जब उठा करो 1 लीटर, आधा से 1 लीटर पानी पी लिया करो। हाइड्रोपैथी, इस विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों की चिकित्सा होती है। हाइजीन, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला यह स्वास्थ्य का विज्ञान है। होलोग्राफी, यह लेजर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक वैज्ञानिक विधि है। होरोलॉजी, यह समय मापने वाला विज्ञान है। हीलियोथेरेपी, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स, इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोस्टेटिक्स, इस शाखा के अंतर्गत द्रव स्थिति का अध्ययन होता है। हिप्नोलॉजी, नींद का अध्ययन होता है। केलोलॉजी, मानव सुंदरता का अध्ययन होता है। लेक्सिकोग्राफी, यह शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला है। मैमोग्राफी, यह स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाली चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। मेट्रियोलॉजी, मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं तथा परिवर्तनों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। मॉर्फोलॉजी, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों और पौधों की संरचना रूप प्रकार आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा आप लोग करते हैं। फिर आपका न्यू मेरोलॉजी, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स, इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी, मानव शरीर की नाड़ियों तथा तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। आप लोग सुनते रहते हैं न्यूरोलॉजी, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मांगते हैं तो आप में पूछता है उसमें कि किस शाखा में आपको दिखाना है, अपना इलाज करवाना है। ठीक है, मैं तो कहता हूँ विज्ञान वैसे तो सबको पढ़ना चाहिए, पता है, कोई तैयारी कर रहा हो या नहीं, क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे शब्द पहुँचे जाते हैं हॉस्पिटलों में कि आपको समझ में ही नहीं आते हैं। आप शक्ल देखते रह जाते हैं सामने वाले की। ओडोनटोग्राफी,
दांतों का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है। ऑप्टिक्स, प्रकाश के प्रकार एवं गुणों का अध्ययन करने वाली भौतिक शास्त्र की यह एक शाखा है। ऑर्निथोलॉजी, इस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी, प्राणी विज्ञान की शाखा में हड्डियों का अध्ययन अपने को देखने को मिलता है। फिर आपने सुना होगा अगला है फाइकोलॉजी, ये क्या है, इस शाखा के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन होता है। पोमोलॉजी, यह विज्ञान फलों के अध्ययन से संबंधित है। सिस्मोलॉजी, विज्ञान की शाखा द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है। सेलिनोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर, इस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़े के पालन, उनमें रेशम के उत्पादन का अध्ययन होता है। स्पेस बायोलॉजी, इस शाखा में अंतरिक्ष यात्रा में जीवों तथा पादपों पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी, जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का विज्ञान होता है। टेलीपैथी, इस शाखा के अंतर्गत मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। टॉक्सिकोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत विषों के बारे में अध्ययन होता है। यूरोलॉजी, इसमें मूल मूत्र और तथा उसके मार्ग के विकारों का अध्ययन किया जाता है, इसे मूत्र विज्ञान भी कहते हैं आप लोग। ठीक है, अब ये आपके वैज्ञानिक यंत्र हैं। क्या है, वैज्ञानिक यंत्र। अल्टीमीटर, यह ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका प्रयोग विमानों में किया जाता है। किसमें, विमानों में। अब है आपका एमीटर, इसमें विद्युत धारा को मापा जाता है। एनीमोमीटर, इससे वायु के बल तथा गति को मापा जाता है, यह वायु की दिशा भी बताता है। ऑडियोमीटर, इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इससे याद रखिए इस तरह के पूछे जाते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है, ऑडियोमीटर, या फिर आपसे पूछ ले कि ऑडियोमीटर से क्या मापा जाता है, तो यह याद रखना ध्वनि की तीव्रता को। ऑडियोफोन, इसे लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाते हैं। एरोमीटर, यह वायु और गैस के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। एक्टिनोमीटर, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता मापने का यंत्र है। एक्यूमुलेटर, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने का द्वितीयक सेल एवं बैटरी है। बैरोग्राफ, यह वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को लगातार मापता रहता है और स्वतः ही इसका ग्राफ भी बना देता है। फिर आपका बैलिस्ट्रिक गैल्वेनोमीटर, इसका उपयोग विद्युत आवेश के मापन के लिए किया जाता है। बैरोमीटर, यह उपकरण वायु दाब मापने के काम आता है। बाइनोक्यूलर्स, इससे दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट देखी जा सकती हैं। कैलिपर्स, इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। कैलोरीमीटर, इससे ऊष्मा की मात्रा मापते हैं आप लोग। कार्डियोग्राम, इससे हृदय रोग से ग्रसित व्यक्ति की हृदय गति की जांच की जाती है। हृदय की गति ग्राफ को कार्डियोग्राफ या फिर ECG यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी कहते हैं। आगे है आपका कंपास, कंपास से क्या कहते हैं, इसके द्वारा कंपास निडिल, इसके द्वारा किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण आदि दिशाओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। कार्बोरेटर, इससे अंतर्दहन पेट्रोल इंजन में पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। क्रोनोमीटर, यह एक प्रकार की घड़ी होती है जो जलयानों पर लगी होती है, इसमें सही समय का पता लगता है। क्रेस्कोग्राफ, पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र है। साइक्लोट्रॉन, इस यंत्र की सहायता से आवेशित कण जैसे प्रोटॉन को त्वरित किया जाता है। कंप्यूटर, यह एक गणितीय इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक व्यवस्था है। फिर आपका सेनेमेटोग्राफ, छोटी छोटी फिल्मों को बढ़ा करके पर्दे पर लगाकर क्रम प्रक्षेपण करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग आप लोग करते हैं। कम्यूटेटर, इससे किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा बदली जाती है। साइटोट्रॉन, किंतिम मौसम उत्पन्न करने में काम आने वाला यंत्र है। डायनामोमीटर, विद्युत शक्ति को मापने वाला यंत्र। डिक्टाफोन, अपनी बात
तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए इस यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। घनत्वमापी, इस उपकरण से घनत्व मापा जाता है। डायलिसिस यह चिकित्सा विज्ञान की विधि है। किसकी? चिकित्सा विज्ञान की विधि है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला यंत्र है। इंडोस्कोप यह वह यंत्र है जिसे शरीर के अंदर प्रवेश करा के अंदर की रचना एवं विकारों को देखा जाता है। फैदोमीटर यह यंत्र समुद्र की गहराई मापने के काम आता है। गाइगर मूलर काउंटर इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। गायरोस्कोप इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं हम लोग। हाइड्रोमीटर इस उपकरण के द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। हाइड्रोफोन या पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण है। हाइग्रोग्राफ हाइग्रोस्कोप यह वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है। कीमोग्राफ यह यंत्र रक्तचाप हृदय स्पंदन आदि शारीरिक गतियों या फिर कारकों के परिवर्तन का ग्राफ बनाता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता जांच करने का यंत्र है। यह यंत्र दूध का अपेक्षित घनत्व मापता है जिससे उसमें पानी की मात्रा का पता चलता है। फिर आपका लेजर लाइट एम्पलीफिकेशन वाय स्टीमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन लेजर एक ऐसी युक्ति है जिसमें वे विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन द्वारा एक बड़ी विकास प्राप्त किया जाता है। फिर आपने तड़ित चालक यह ऊंची इमारतों के ऊपर सबसे ऊंचे भाग पर लगाया जाता है जिससे तड़ित विद्युत बादलों की बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इमारतें सुरक्षित रहती हैं। आपने देखा होगा लाइटिंग कंडक्टर आपने अगर ऊंची इमारत है तो वहाँ लगा हुआ देखा होगा। दाब मापी इसमें गैसों का दाब ज्ञात किया जाता है। मैक मीटर यह यंत्र वायु की गति की ध्वनि की गति के पदों में मापता है। चुम्बकत्व मापी या विभिन्न मौसम चुम्बकीय आघूर्णों तथा चुम्बकीय क्षेत्रों की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। फिर आपका मेसर इसका पूरा नाम है माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन बाय स्टीमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन यह एक शक्तिशाली एकवर्णी समांतरित एवं कला संबंध माइक्रो तरंग किरण पुंज प्राप्त करने की युक्ति है। माइक्रोफोन यह यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदों में परिवर्तित करता है। सूक्ष्मदर्शी बहुत ही सूक्ष्म वस्तुओं या फिर रचनाओं को इस उपकरण द्वारा आवर्तित करके देखा जाता है। सूक्ष्मदर्शी आपने सुना होगा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जो दही में छोटे छोटे जीव होते हैं उन्हें देखने के छोटे छोटे कीड़े बढ़ जाते हैं तभी तो लैक्टोबैसिलस तभी तो ये दूध से दही बन जाता है। माइक्रोमीटर बहुत छोटे 10^-6 मीटर की कोटि के व्यासों तथा मोटाइयों को मापने का यंत्र है। ऑडोमीटर इससे मोटर गाड़ी की गति को ज्ञात किया जाता है। इसे चक्कर मापी भी कहते हैं। ओम मीटर यह विद्युत प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र है। ओंडोमीटर यह यंत्र विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापता है। पेरिस्कोप इसके द्वारा जब पनडुब्बी पानी के अंदर होती है तो पानी की सतह का अवलोकन किया जा सकता है और उसमें बैठे लोग बिना किसी के जाने पर बिना किसी बाधा के बाहरी हलचलों को देख सकते हैं। दीवार के दूसरी ओर अपने कमरे में ही बैठे हुए देखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर यह उच्च तापों को मापने का यंत्र है जैसे सूर्य का ताप। फोदोमीटर यह एक प्रकाश मापी यंत्र है जिसके द्वारा दीप्त शक्ति मापी जाती है। पोटेंशियोमीटर इससे किसी सेल के विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध को मापा जाता है। पायरोमीटर या उच्च तापों को मापने वाला यंत्र है सूर्य का ताप जैसे। पाइकनोमीटर यह यंत्र द्रवों के घनत्व और प्रसार गुणांक का मापन भी करता है। पॉलीग्राफ इस यंत्र को झूठ का पता लगाने के लिए लाई डिटेक्टर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यंत्र एक साथ ही कई शारीरिक क्रियाओं के परिवर्तन को रिकॉर्ड करता है जैसे हृदय स्पंदन रक्तचाप श्वसन आदि। रडार
रेडियो तरंगों द्वारा पास आते हुए वायुयान की दिशा दूरी को ज्ञात करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप ही रडार है। रेडियो माइक्रोमीटर ये क्या है? रेडियो माइक्रोमीटर, इसके द्वारा ऊष्मीय विकिरण को मापा जाता है। रेडिएटर यह कारों और गाड़ियों के इंजनों को ठंडा करने वाला उपकरण है। रेडियोमीटर, इस यंत्र द्वारा विकिरण ऊर्जा की तीव्रता को मापा जाता है। सिस्मोग्राफ, इस यंत्र से पृथ्वी की सतह पर आने वाले भूकंप के झटकों की तीव्रता का ग्राफ स्वतः ही चित्रित हो जाता है। स्पीडोमीटर, इससे मोटरगाड़ी की गति मापी जाती है। स्पेक्ट्रोमीटर, इस यंत्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रों का अध्ययन किया जाता है तथा विभिन्न रंगों के तरंग दैर्ध्य को मापा जाता है। फिर आपका स्फेग्मोमैनोमीटर, इस यंत्र का उपयोग धमनी में रक्तदाब की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है, यानी कि कह सकते हैं रक्तदाब के लिए किया जाता है, मापा जाता है इसका रक्तदाब। स्टेरियोस्कोप, यह एक प्रकार का उत्तम वाइनोकुलर है, इससे किसी द्विभूमीय चित्र को भलीभांति देखा जा सकता है। स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रम को देखने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप, इस यंत्र का प्रयोग डॉक्टरों द्वारा फेफड़ों तथा हृदय की धड़कनों तथा ध्वनियों को सुनने तथा उनकी व्याख्या करने के लिए करते हैं। स्टोबोस्कोप, तीव्र गति करने वाली वस्तुओं को देखने में होता है। टेकोमीटर, इस यंत्र द्वारा सॉफ्ट की गति, विशेषकर विशेषता वायुयान और मोटर बोट में लगे हुए सॉफ्ट, विशेषकर घूर्णन गति मापी जाती है इसे। दूरदर्शी टेलीस्कोप, इसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट देखी जा सकती हैं। थर्मोस्टेट, इस यंत्र के द्वारा ऊष्मा आपूर्ति पर नियंत्रण करके किसी वस्तु या पदार्थ का तापमान किसी बिंदु पर नियत कर दिया जाता है। ट्रांसफार्मर, इसके द्वारा कम या अधिक वोल्टेज की एसी यानी कि अल्टरनेट करंट को अधिक या फिर कम वोल्टेज एसी में बदला जा सकता है। यह अपचाई एवं उपचाई प्रकार का होता है। फिर आपका टेलीपेंटर, टेलीपेंटर यह यंत्र एक प्रकार से दूसरे स्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर टाइप किए हुए समाचार भेजना, उनका अभिग्रहण करना भी करता है। ट्रांसपोंडर, इस यंत्र का काम किसी संकेत को यानी कि सिग्नल को ग्रहण करना और उसके उत्तर को तुरंत प्रेषित यानी कि भेजना काम है। वेंचुरीमीटर, द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात करने का यंत्र है। वर्नियर, यह एक पैमाना है जो किसी दिए गए बड़े पैमाने के साथ लगाया जाता है। इससे बड़े पैमाने का एक छोटे भाग के भी अति सूक्ष्म अंश को मापा जाता है। वेस्कोमीटर, यह यंत्र द्रव की श्यानता मापता है। ठीक है, उसके बाद वोल्टीमीटर, इसके बारे में तो आप लोग सुनते ही रहते हैं। यह किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभांतर ज्ञात करने का यंत्र है। वांडीग्राफ जनरेटर, उच्च विभांतर उत्पन्न करने वाला यंत्र। वाट मीटर, विद्युत स्रोत की शक्ति को मापने वाला यंत्र है। अब है ये आविष्कार और आविष्कारक, आविष्कार और आविष्कारक, यानी कि ये आविष्कार हो गए, वर्ष जिस सन में हुआ है आविष्कारक हो गया नाम, वो जिस देश के आविष्कारक हैं उनका नाम। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इसकी खोज हुई 1824 में। आविष्कारक थे डॉक्टर एलन एम टूरिंग, ये ब्रिटेन के थे। इलेक्ट्रिक इस्त्री यानी कि प्रेस 1882 में एच डब्ल्यू सीली के आविष्कारक थे, अमेरिका के। इस्पात का उत्पादन 1885 हेनरी बेसेमर ब्रिटेन के थे। एक्सरे 1895 विलहेल्म की रोंटजन ये जर्मनी के थे। कताई फ्रेम 1769 सर रिचर्ड आर्कराइट ब्रिटेन के थे। कताई मशीन 1779 सैमुअल क्रॉम्पटन ये ब्रिटेन के थे, कहाँ के, ब्रिटेन। फिर आपका कताई जेनी 1764 जेम्स हार ग्रीव्स, ये भी ब्रिटेन के थे। कलाई की घड़ी 1400, जो आप लोग कलाई की घड़ी पहनते हैं, ये 1462 की देन में हुआ था। इसके आविष्कारक थे वार्थ लोम्यू मैनफ्रेडी, ये इटली के थे। कांच रंगीन 1080 आगसवर्ग जर्मनी में। कार बास्प 1769 में निकोलस
कोग नाट फ्रांस, कार पेट्रोल 1888 में कार्ल बेंज जर्मनी के थे, कारपेट स्वीपर 1876 मेलविल आर बेसिल अमेरिका के थे, कार्बोरेटर 1876 गॉटलिब डेमर जर्मनी के थे, कालमापी क्रोनोमीटर 1735 जॉन हैरिसन ब्रिटेन के थे, गगनचुम्बी भवन 1882 डब्ल्यू ले बैरन जैनी अमेरिका के थे, गैल्वेनोमीटर 1834 आंद मैरी एम्पियर फ्रांस की थी। गैस लाइटिंग आपका 1792 में विलियम मोर डार्क थे, ब्रिटेन के थे, ग्रामोफोन 1878 थॉमस अल्वा एडिसन अमेरिका के थे, ग्लाइडर 1853 सर जॉर्ज केली थे, ब्रिटेन के, घड़ी यांत्रिक 1725 आई सिंह एवं लियांग लिंग सेन ये चीन के थे, घड़ी पेंडुलम 1656 क्रिश्चियन हाइगंस नीदरलैंड के थे, चश्मा उत्तल लेंस वाला चश्मा 1289 बेनिस ये इटली के थे, जहाज वास्प वाला 1775 जेसी पेरियर फ्रांस के थे, जहाज टरवाइन 1894 मानसर सी पार्सन्स ब्रिटेन के थे, गायरो दिक्सूचक 1911 एलमर ए स्पेरी ये अमेरिका के थे, जिप 1891 डब्ल्यू एल जोडसन ये भी आपके अमेरिका के ही थे, फिर आपका जेट इंजन 1937 सर फ्रैंक वेटल ब्रिटेन के थे, जोड़ेअंत 1623 विलहेल्म स्कार्ड जर्मनी के थे, टाइपराइटर 1808 फिलगिनटेरी इटली के थे, टेरिलिन 1941 जे टी विनफील्ड जे ई डिक्सन ब्रिटेन के थे, टेलीफोन 1849 अंतोनिए म्यूची इटली के थे, टेलीफोन 1876 अलेक्जेंडर ग्राहम बेल अमेरिका के थे, टेलीविजन यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक की बात करें तो 1926 जॉन लेगी बियर्ड ब्रिटेन के थे, और टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो 1927 में पीटी फ्रांस वर्थ ये अमेरिका के थे, ट्रैंक 1914 सर अर्नस्ट स्विंगटन ये ब्रिटेन के थे। आपको आगे है आपका ट्रांजिस्टर, इसकी खोज हुई 1948 में, आविष्कारक कौन कौन थे इसके, वार्डिन साकली और बिटाइन ये अमेरिका के थे सभी। फिर ट्रांसफार्मर ये आपका 1831 में, इसके आविष्कारक थे माइकल फैराडे और ब्रिटेन के थे। डायनेमो 1832 हाइपोलाइट पिक्सी इसके आविष्कारक थे वो फ्रांस के थे। डिस्क ब्रेक 1902 की बात है, डॉक्टर एफ लेचेस्टर इसके आविष्कारक थे वो ब्रिटेन के थे। डीजल इंजन 1895 में रोडोल्फ डीजल इसके आविष्कारक थे जर्मनी के थे। तड़ित चालक 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन आविष्कारक थे वो अमेरिका के थे। तार संचार 1787 एम लामान ये फ्रांस के थे। तार संचार कोड 1837 सैमुअल एफ बी मोर्स ये भी अमेरिका के थे। थर्मामीटर 1593 गैलीलियो गैलीलाई ये इटली के थे। दूरबीन 1608 हैंस लिप्ट से ये नीदरलैंड के थे आपके। दुई फॉक्सी लेंस ये 1780 की बात है, इसके आविष्कारक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ये अमेरिका के थे आपके। धुलाई की मशीन बिजली वाली 1907 की बात है, हर्लो मशीन कंपनी इसकी आविष्कारक थी अमेरिका की थी। नियान लैंप 1910 में जाजेस क्लार्ड इसकी आविष्कारक थे वो फ्रांस की थी। पनडुब्बी 1776 में डॉक्टर वेलेस एच करोथर्स डेविड बुशनेल ये अमेरिका के थे। पावरलूम 1785 ई कार्टराइट ये ब्रिटेन के थे। पाश्चरीकरण 1867 लुई पाश्चर ये फ्रांस के थे। पार्किंग मीटर
1935 कार्लटन सी मैगी, ये अमेरिका की थी आपकी। पैराशूट हवाई छतरी वाला 1797 की बात है। इसके आविष्कारक थे ए जी गार्नरेन, फ्रांस के थे। वो प्रोपेलर ये जहाज 1837 फ्रांसिस स्मिथ, ये ब्रिटेन के थे आपके। फाउंटेन पेन 1884 में लेविस ई वाटरमैन, इसके आविष्कारक थे अमेरिका के थे। फिल्म मूक चलचित्र वाली ये 1885 की बात है, लुई फ्रेंस और फ्रांस के ये थे। फिल्म बोलपट 1922 जे एम एंगल, जे मुसोली और एच वागट, ये दोनों जर्मनी के थे। फिल्म संगीत ध्वनियुक्त 1923 में डॉक्टर ली दे फास्ट, अमेरिका के थे। फोटोग्राफी धातु तार पर 1826 में जे एन निप्स, इसके आविष्कारक थे फ्रांस के थे। फोटोग्राफी कागज पर 1835 में डब्ल्यू एच फॉक्स टालबोट, ये ब्रिटेन के थे। फोटोग्राफी फिल्म पर 1888 जान कार्बट, ये अमेरिका के थे। बुनसन वर्नर 1855, आर विलहेल्म वान बुनसन, ये जर्मनी के थे। बर्कलर अलार्म 1858, एडविन टी होल्मस, ये अमेरिका के थे। बिजली का लैंप 1879 में थॉमस अल्वा एडिसन, ये अमेरिका के थे। बिजली की मोटर डीसी 1873 में जिनाबे ग्रामी, ये बेल्जियम के थे। बिजली एसी वाली मोटर 1888 की बात है, निकोला टेस्ला, ये भी अमेरिका के थे। वेकेलाइट 1907, लियो एच बैंकलैंड, ये बेल्जियम के थे। फिर आपका बैरोमीटर क्या है, बैरोमीटर ये 1644 की बात है, इवांज लिस्टा टोरेसेली, ये इटली के थे। बैलून गुब्बारा 1783, जैकस एवं जोसफ मॉन्टगोल्फर, इसके आविष्कारक थे और बेल्जियम के थे। भाप का इंजन 1698, थॉमस सेवरी, ये ब्रिटेन के थे। भाप का इंजन पिस्टन वाला 1712 में थॉमस न्यूकामेन, ये भी ब्रिटेन के थे। भाप का इंजन कंडेंसर 1765 की बात है, जेम्स वाट, इसके आविष्कारक थे ब्रिटेन के। मशीन गन 1718 में जेम्स पकल, ब्रिटेन के थे। माइक्रो प्रोसेसर 1971 में रॉबर्ट नोएस एवं गार्डन मूर, ये अमेरिका के थे। माइक्रोफोन 1876 अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये अमेरिका के थे। माग्राइन किंते मक्खन 1869, हेपालाइट एम मूरिस, फ्रांस में। मुद्रण यंत्र 1455 जोहान गोटनबर्ग, ये जर्मनी के थे। आगे आपका मुद्रण यंत्र रोटरी 1846 में रिचर्ड हो, ये अमेरिका के थे। इसके रिचर्ड हो आविष्कारक थे। मोटरसाइकिल 1885 में जे जी डेमलर कांस्टाट के, ये जर्मनी के थे। रबर लेटेक्स फॉर्म 1928 की बात है, डनलप रबर कंपनी, इसकी आविष्कारक थी ब्रिटेन की। रबर टायर वाली 1846 में थॉमस हानकॉक, इसके आविष्कारक थे ब्रिटेन के। रबर वाल्किनीकृत 1841 में चार्ल्स गुडियर, इसके आविष्कारक थे अमेरिका के थे। रबर जल सह 1823 की बात है, चार्ल्स मकिन टोस, इसके आविष्कारक थे ब्रिटेन के। रिकॉर्ड लॉन्ग प्लेन 1948 में डॉक्टर पीटर गोल्डमार्क, इसके आविष्कारक थे अमेरिका के थे। रूबिक क्यूब 1975 प्रोफेसर एनो रूबिक, इसके आविष्कारक थे और हंगरी। रेंजर बिजली का रेजर, बिजली का रेजर 1931 की बात है, कर्नल जेकब, इसके ये अमेरिका के थे। रेजर सेफ्टी 1895, किंग सी गिलेट, ये अमेरिका के थे। रडार 1922 में ए एच टेलर और लियो सी यंग,
ये अमेरिका की थी आपकी। रेडियो तार संचार, रेडियो तार संचार 1864 में खोज हुई इसकी। डॉक्टर महलोन लूमिस, ये अमेरिका की थी। रेडियो पार अटलांटिक 1901, जी मार्कोनी इटली के थे। रेफ्रिजरेटर 1850 की बात है। जेम्स हैरिसन अलेक्जेंडर कैटलिन, ये अमेरिका के थे। रेयान 1883 की बात है। सर जोसेफ स्वेन इसके आविष्कारक थे बेटन के। लाउड स्पीकर सन 1900 में। हॉरेस सार्ट इसके आविष्कारक थे बेटन के। लान ड्रेट 1934 में। जे एफ कंट्रेल इसके आविष्कारक थे अमेरिका के। लिफ्ट यांत्रिक 1852 में। एलिसा जी ओटिस ये अमेरिका के थे। लिनोनियम 1860 में। फेडरिक वाल्टन ये ब्रिटेन के थे। लेजर 1960 की बात है। डॉक्टर चार्ल्स एच टॉन्स ये अमेरिका के थे। लोकोमोटिव 1804 की बात है। रिचर्ड टूवर्थिक ये ब्रिटेन के थे। वायुयान 1903 में। ओरीविल एवं विलिवर राइट ये अमेरिका के थे। वायुयान आदेश ये 1852 की बात है। हेनरी जिफार्ड ये आपके फ्रांस के थे। वायुयान दृढ़ 1900 में। जी एफ वान जिपेलिन ये जर्मनी के थे। विद्युत चुम्बक 1824 में। विलियम स्टर्जन ये ब्रिटेन के थे आपके। वेल्डर बिजली ये 1877 में। एलिसा थॉमसन अमेरिका के थे। शौचघर ये 1589 में जे हैरिंगटन द्वारा निर्मित ब्रिटेन की। साइकिल 1839-40 में। क्रिक पैट्रिक मैकमिलन ये ब्रिटेन के थे। साइकिल टायर YVA 1888 में। जान वाइड डनलप ये ब्रिटेन के थे। सिनेमा 1895 में। निकोलस एवं जीन लुमेरी ये फ्रांस के थे। सिलाई की मशीन 1829 वर्थ लमी थिमोनियर ये फ्रांस के थे। सीमेंट पोर्टलैंड 1824 आविष्कारक जोसेफ आस्पडीन ए ब्रिटेन के। सेफ टिपिन 1849 वाल्टर हंट ये अमेरिका के आपके थे। कहाँ के? अमेरिका के। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप 1590 में इसकी खोज हुई। आविष्कारक थे जे जेंसन नीदरलैंड के थे। सेफ्टी माचिस 1826 में। जॉन वाकर इसके आविष्कारक थे ब्रिटेन के। सेलोफेन 1908 की बात है। डॉक्टर जे वैंडन बर्गर ये स्विट्जरलैंड के थे। सेलुलाइट 1861 की बात है। अलेक्जेंडर फार्क्स इसके आविष्कारक थे ब्रिटेन के थे। सेल्फ स्टार्टर 1911 में। चार्ल्स एफ कैटरिंग इसके आविष्कारक थे अमेरिका के। स्कॉच फीता 1930 की बात है। रिचर्ड ड्रू इसके आविष्कारक थे अमेरिका के। स्टील उत्पादन 1855 हेनरी बेसेमर इसके आविष्कारक थे ब्रिटेन के। स्टेनलेस स्टील 1913 की बात है। हैरी वेयरले इसके आविष्कारक थे ब्रिटेन के। स्लाइड रूल 1621 की बात। विलियम ऑफ ट्रेड ए ब्रिटेन के थे। हेलीकॉप्टर 1924 की बात है। एंटीन ओह मिसेन ये आविष्कारक थे और फ्रांस में किए थे। कहाँ के थे? फ्रांस के। अब यहाँ आपके प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान, इनसे भी क्वेश्चन आपके कई बार डायरेक्ट पूछ लिए गए। MPPSC में कई बार पूछ लिए गए। UPPCS में, UPSC में भी कभी कभी ये आपके क्रम में लगाने के लिए आ जाते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन भारतीय एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। क्या? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। रिएक्टर रिसर्च सेंटर ये कलपक्कम तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी ये गुलमार्ग हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहाँ? गुलमार्ग हिमाचल प्रदेश में। केगा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट केगा कर्नाटक में देखने को मिलेगा। मद्रास एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट कलपक्कम तमिलनाडु में मिलेगा।
काकरापारा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, ये काकरापार गुजरात में मिलेगा। नरोरा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट नरोरा उत्तर प्रदेश में मिलेगा। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन रावतभाटा कोटा राजस्थान में मिलेगा आपको देखने। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड ये अलवाइक केरल में मिलेगा। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये आपका सिंहभूम झारखंड में देखने को मिलेगी। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन तारापुर मुंबई महाराष्ट्र में। फिर आपके अंतरिक्ष विभाग के अधीन संस्थान कौन कौन से हैं? थुम्बा एग्विटोरियम रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा केरल में ही। इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर कर्नाटक में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद गुजरात में। भारत में प्रमुख वैज्ञानिक एवं तकनीक संस्थान श्रीहरिकोटा रेंज सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। याद रखिए क्वेश्चन से एक बार नहीं कई बार कई परीक्षाओं में पूछ लिया गया। श्रीहरिकोटा रेंज सेंटर कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन कर्नाटक। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये आपका मिलेगा आपको तिरुवनंतपुरम केरल में। कहाँ? तिरुवनंतपुरम केरल में। फिर आगे आपके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन संस्थान इनमें आपका सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। सेंट्रल सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में यूपी में। सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान में है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये इंस्टीट्यूट आपकी बैरकपुर पश्चिम बंगाल में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च ये आपकी नागपुर महाराष्ट्र में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कोची केरल। सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची केरल में। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में देखने को मिली। कहाँ? कटक उड़ीसा में। सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अबिका नगर राजस्थान। जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च लेबोरेटरी कोलकाता में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में। नेशनल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट मखदूम मथुरा उत्तर प्रदेश में। सेंट्रल पोटैटो अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश में। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ये आपकी बंगलुरु कर्नाटक में देखने को मिलेगी। इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची झारखंड में। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची झारखंड में देखने को मिलेगी। कहाँ? रांची झारखंड। उसके बाद है आपका पर्यावरण के अधीन संस्थानों की बात करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन ये आपका नई दिल्ली में है। भारतीय वन्य जीव जीवन संस्थान देहरादून उत्तराखंड। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये भी कोलकाता पश्चिम बंगाल में ही आपको देखने को मिलेगा। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन संस्थान तो केंद्रीय खान अनुसंधान स्टेशन धनबाद झारखंड में हम देखने को मिलेगा। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून उत्तराखंड। सूक्ष्म जैविक प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अभिलेखन केंद्र ये आपका मिलेगा लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में। राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाएं बेंगलोर में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की उत्तराखंड। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश। जैव रसायन प्रौद्योगिकी केंद्र दिल्ली। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान पिलानी। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा। राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान नई दिल्ली। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र। राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद आंध्र प्रदेश। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई मद्रास।
केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान संस्थान, ये आपका खड़क वासला, ठीक है। उसके बाद आगे है आपका कृषि मंत्रालय के अधीन संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान, ये देहरादून में देखने को मिलेगा। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद में, भारतीय वन सर्वेक्षण ये आपका देहरादून में। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन संस्थानों की बात करें हम लोग, तो आपको मिलेगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, ये मुंबई में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री, ये रांची में। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, इन नई दिल्ली में। केंद्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान, जयपुर में। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोथेरेपी पैथी, ये नई दिल्ली में। केंद्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान, जयपुर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, ये दिल्ली में। नेशनल टीबी इंस्टीट्यूट, बेंगलोर में। फिर आपके भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अधीन संस्थान जो हैं वो आपके ये हैं, कौन से हैं, रोग निदान संस्थान नई दिल्ली, औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र कोलकाता, खाद्य एवं औषधि विज्ञान अनुसंधान केंद्र हैदराबाद, मलेरिया अनुसंधान केंद्र दिल्ली, इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड मेडिकल स्टेटिक्स, ये नई दिल्ली में। आपसे क्वेश्चन दो तरह से पूछेगा, या तो इन्हें पूछेगा कहाँ हैं, या पूछेगा कि किस के अधीन आते हैं, तो आप बताएंगे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अधीन आते हैं, या फिर कोई मंत्रालय है तो उसके अधीन आएगा तो उसे बताना है। मलेरिया अनुसंधान केंद्र दिल्ली, इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड मेडिकल स्टेटिक्स नई दिल्ली, राष्ट्रीय रोग प्रतिरोध विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंसेज, बेंगलोर, राष्ट्रीय हैजा तथा आंतवादी संस्थान एक कोलकाता में देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, ये पुणे महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ये था आपका कुछ सामान्य ज्ञान स्वरूप। आगे हम लोग आपका फिजिक्स देखेंगे, यानी कि भौतिक विज्ञान।